या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। छठा नवरात्रा है और आज के दिन में हम मां कात्यायनी का आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। मां कात्यायनी का जो ये स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने भी इनकी आराधना करी थी, इसलिए खासतौर पर मां कात्यायनी की पूजा से आपको शादी का वरदान मिलता है। बात ये भी करेंगे मां कात्यायनी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और खासतौर पर ये बात करेंगे कि कौन सी शक्ति को आज आपको जागृत करना होता है। तो सबसे पहले बात करें उन लोगों की जिनके विवाह में कोई विलंब आ रहा है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उन लोगों के लिए आज माँ कात्यायनी को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पीले रंग की चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं। इसके अलावा पीले रंग के वस्त्र पहनकर आपको संध्या काल के समय कोशिश करनी चाहिए। माँ कात्यायनी को हल्दी की गांठ ज़रूर अर्पित करें आप छठे नवरात्रि वाले दिन। माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति ग्रह और साथ ही में आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, इसीलिए क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं वो शादी के कारक माने जाते हैं। लड़कियों की कुंडली में देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह देखा जाता है शादी के लिए, और अगर बात करें पुरुषों की कुंडली में तो उनकी कुंडली में शुक्र ग्रह देखा जाता है शादी विवाह के लिए। इसीलिए दोनों ग्रह मजबूत होने की वजह से जो पुरुष हैं जो महिलाएँ हैं उनके लिए अगर शादी नहीं हो पा रही है तो माँ कात्यायनी का पूजन छठे नवरात्रि वाले दिन ज़रूर करें पीले रंग के वस्त्र धारण करके। पीले रंग के पुष्पों का आपको इनको अर्पित करने चाहिए। पीले रंग के पुष्प गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए इनके समक्ष। संध्या काल के समय माँ कात्यायनी की पूजा आपको करनी चाहिए। इसके अलावा पीले रंग का मिष्ठान अर्पित करने से संकल्प लेकर के आपकी शादी में आ रहा विलंब जरूर खत्म होता है। इसके अलावा केसर युक्त किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं आप माँ कात्यायनी को। ऐसा करने से भी आप देखेंगे आपकी शादी अगर नहीं हो पा रही है, किसी कारणवश रुक रही है, तो वो जल्द ही हो जाएगी। बात कर लेते हैं अब कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, अगर दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती या फिर आकर्षण नहीं है आपके अंदर, तो आपको इस नवरात्रि वाले दिन यानी कि छठे दिन आपको माँ कात्यायनी को शहद चांदी के पात्र में रख करके अर्पित करना चाहिए, और वो भी संध्या काल के समय। कोशिश कीजिएगा कि इस समय पर आप शक्ति स्वरूपा माँ कात्यायनी का पूजन, उनका ध्यान जरूर करें, और उसी समय पर उनको सैंडलवुड एसेंस भी ज़रूर अर्पित करें। उनके आसपास आप सैंडलवुड एसेंस ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से भी आप देखेंगे आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपके रिश्तों में एक दूसरे के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो खत्म होंगी। हम अलग अलग दिनों में अलग अलग शक्तियों को जागृत करते हैं। माँ कात्यायनी यानी कि छठा नवरात्रि वाले दिन आपके अंदर परखने की शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पहले तीन दिन जो होते हैं नवरात्रों के, उस समय पर आपके अंदर तामसिक गुण होता है, तामसिक प्रवृत्ति होती है। अगले तीन दिनों में राजसिक प्रवृत्ति, और आखिरी के तीन दिनों में आपके अंदर सात्विक गुण आ जाता है। जो बीच के दिन होते हैं, खासतौर पर जो छठा नवरात्रा है, इस समय पर आपके अंदर परखने की शक्ति, परखना क्या चीज़ आपके लिए सही है क्या गलत है, कौन इंसान आपके लिए सही है कौन गलत है, इस शक्ति को कहा जाता है परखने की शक्ति। हम पहले नवरात्रे से बात करते आ रहे हैं, आपने डिटैचमेंट कर लिया, आपने लेट गो कर लिया, आपने एक्सेप्टेंस कर लिया, आपने टॉलरेंस कर लिया, अब बात आ जाती है परखने की, क्योंकि सही और गलत में फ़र्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अक्सर परखना किसे कहते हैं, सामने वाले को देख करके वो बात कैसे कर रहा है, वो चल फिर कैसे रहा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसके जूते कैसे हैं, इन सब चीज़ों को देख करके हम सामने वाले को परखते हैं। लेकिन कभी आपने वाइब्रेशनल लेवल पर परखने की कोशिश की है? कभी आपने ये महसूस किया है कि सामने वाले से मिल करके आपको कैसा लग रहा है, आपके अंदर किस तरह की वाइब्रेशंस आ रही हैं? क्योंकि सही परखना इसी को कहते हैं। और जब आप इस तरीके से परखते हैं, जब आप एनर्जी लेवल पर परखते हैं, तो आपका परखना कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपने अंदर परखने की शक्ति को आज जागृत ज़रूर कीजिए, ये महसूस ज़रूर कीजिए कि आपको उस इंसान से मिल करके कैसा लग रहा है। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रोटेक के साथ। नमस्कार।